इसके साथ साथ एक और अहम जो टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की जा रही है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज भी एक अहम इशू हुआ वहां पर और फायरिंग हुई है LOC के हवाले से। आज दफ्तर खारजा में जो भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर है उनको भी बुलाया गया है। हमने उस दिन भी बात की है कि आखिर कब भारत 2003 का जंगबंदी का मुआहदा है उसके खिलाफ वर्जी करना बंद करेगा, लेकिन वो बंद नहीं हुई है। आज फिर LOC पर जो है वो फायरिंग हुई है, जिसके लिए आज जो डिप्टी कमिश्नर हैं इंडिया के, उनको दफ्तर खारजा तलब भी किया गया है और काफ़ी एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया। एक तो ये डिप्टी कमिश्नर नहीं है, ये डिप्टी हाई कमिश्नर है, डिप्टी हाई कमिश्नर मिस्टर वालिया जी, उनको बुलाया गुरु गया और ज़ाहिर है उनसे एहतजाज किया गया। कल भी खिलाफ वर्जी हुई, सिर्फ LOC की नहीं हुई बल्कि वर्किंग बाउंड्री भी कल हुई। और ये कल इन्होंने जो गोलाबारी की वो डिस्ट्रिक्ट सांबा और कठुआ से की, ये दोनों जम्मू के ज़िले हैं और ये करतारपुर के काफ़ी करीब हैं। तो एक तरह से ये करतारपुर को भी टारगेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में चूंकि अकलीतों का भी ख्याल बहुत रखा जाता है, तो पाकिस्तान ने एक बेहतर अंदाज में अपने सिखों के लिए करतारपुर राहदारी खोली ताकि वो अपने गुरुद्वारे में आ सकें, अपनी इबादत कर सकें। तो वहाँ उसके करीब गोलाबारी का जवाब नहीं पैदा होता, वहाँ नहीं करनी चाहिए थी। और फिर वर्किंग बाउंड्री की तो बिल्कुल ख़िलाफ़वर्जी नहीं करनी चाहिए, LOC की भी नहीं करनी चाहिए। अब ये है कि मोदी का ये पागलपन है, दुनिया इस वक्त कोरोना के खौफ में मुबतला है, कोरोना की दहशत फैली हुई है, लोगों में अमवात तकसीम हो रही हैं, लोगों के जहाज रुके हैं। जानिब से ऐसा क्यों किया जा रहा है हर रोज दूसरे दिन? मेरा ख्याल है कि मोदी अपने पागलपन का मुजाहरा कर रहा है, मोदी का ये ख्याल है। मैं जहाँ तक, और ये इसमें अजीत कुमार दोवल की जरूर सोच शामिल होगी कि पाकिस्तान को भड़काएं और पाकिस्तान हम पर हमला आवर हो, लेकिन ये वो एक अरसे से कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब मैं तो खैर इंडिया को, इंडिया उस वक्त तक तो खैर बहुत अच्छा था जब कांग्रेस जब तक थी सेकुलर इंडिया था, अब तो वहाँ सेकुलरिज्म रहा नहीं, वहाँ तो हिंदुत्व आ गया है, हिंदुइज्म की सोच है। अगर आप हिंदू हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं हिंदू तो आपके लिए गलत है, आपने सबसे बड़ा, और अगर आप ब्राह्मण हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है। अब दिल्ली में उन्होंने अमित शाह के साथ मिलकर खून की होली खेली है, तो ये जो नफ़रतों का खेल है ये पूरे साउथ एशिया पर मोदी की वजह से है और पूरी दुनिया को ख़तरा है इससे। ये मोदी को समझ नहीं आती कि भाई इस वक्त दुनिया और एक खौफ में मुबतला है, सारी दुनिया कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रही है, ख़ुद मोदी ने अपने मुल्क में कर्फ्यू लगा रखा है और साथ साथ ये चालें भी चलता है। तो इसकी एक तो अक्वामे मुत्तहदा को भी चाहिए, अक्वामे मुत्तहदा को चाहिए कि खुदारा कश्मीर के बारे में जो करारदादे हैं उस पर अमल दरामद कराएं, ये अक्वामे मुत्तहदा की ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ पिछले 70 बरसों में अक्वामे मुत्तहदा ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की, उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया और बड़ी ताकतों ने भी गफलत का मुजाहरा किया। क्या कश्मीरियों का जुर्म सिर्फ यह है कि वो मुसलमान हैं? ईस्ट तैमूर में तो आप मुल्क बना देते हैं फ़ौरन, साउथ सूडान में तो मुल्क फ़ौरन बन जाता है, मगर कश्मीर और फ़लस्तीन का फ़ैसला आप इसलिए नहीं करते कि ये मुसलमान हैं वहाँ। और अब जो कोरोना से आप बड़े परेशान हुए फिरते हैं, आपको उस वक़्त खौफ नहीं आता जब आप मुसलमानों के बच्चे ज़िबा करते थे, जब बम गिराते थे और मुसलमानों के बच्चे बच्चियां रोते थे? ठीक है, उस वक्त आपको कोई ख्याल नहीं आता था। जंग मुसलमान और हिंदू में है, आने वाले वक्तों में जब ये जंग शायद खत्म हो जाए तो अगर हम देखें तो शायद जो हिंदुओं के अपने जो फिरके हैं उन सब में ये जंग छिड़ सकती है। आज सिर्फ हिंदू और मुस्लिम्स की जंग है, आगे हिंदुओं के